नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस 26वें लेक्चर में। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रस का मेथड ऑफ सेक्शन। अभी जो हम प्रेजेंट प्रॉब्लम लेंगे, ये प्रॉब्लम हम लेक्चर नंबर 22 में भी सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग चेक कर लेना, आज के जो रिजल्ट्स आएंगे वो लेक्चर नंबर 22 में भी वही रिजल्ट्स आए थे। बस फर्क इसमें ये रहेगा कि लेक्चर नंबर 22 में हमने इस प्रॉब्लम को मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व किया था, आज उसी प्रॉब्लम को लेंगे और इसको मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेते हैं प्रेजेंट प्रॉब्लम, जिसको हम मेथड ऑफ सेक्शंस, जिसको कि मेथड ऑफ मोमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, उससे सॉल्व करेंगे। तो प्रेजेंट न्यूमेरिकल में एक वारेन गर्डर है। वारेन गर्डर का मतलब रहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ फ्रेम। इसके बी पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और एक सी पॉइंट पे 4 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। इसके हम सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे और उसके बाद हम इसको मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करेंगे। तो ये एक ट्रस है जो कि अपना वारेन गर्डर है। ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है। सबसे पहले हम ऑब्वियसली यहाँ पर रिएक्शंस निकालेंगे। अब मेथड ऑफ सेक्शन वहाँ पर कन्वीनियंट होता है जब हमको सारे मेंबर्स के फोर्स नहीं निकालने हो, किसी एक या दो या तीन मेंबर्स के फोर्स निकालने होते, तब मेथड ऑफ सेक्शन कन्वीनियंट रहता है। मेथड ऑफ सेक्शन में जिस मेंबर का हमको फोर्स निकालना पड़ता है उसके हम एक सेक्शन लाइन डाल देते हैं और उस मेंबर को एज अ फ्री बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ट्रीट करते हैं। अब हमारे पास ये तो पूरा ट्रस है, तो अभी तो हम आपको मेथड ऑफ सेक्शन से पूरा का पूरा ट्रस सॉल्व करके बताएंगे, तो आप आगे समझ जाएंगे कि मेथड ऑफ सेक्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले निकालते हैं रिएक्शंस। रिएक्शंस निकालिए, ए के अबाउट मोमेंट लीजिए, आर डी इंटू 6 इज इक्वल टू 2 × 1.5 प्लस 4 × 4.5, एज जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 22 में निकाला था। यहाँ से आपको आर डी की वैल्यू आ जाएगी 3.5 और वर्टिकल इक्विलिब्रियम लीजिए तो आर ए प्लस 3.5 इज इक्वल टू 2 + 4, यहाँ से आपको आर ए की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अब हम यहाँ पर सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। पहली सेक्शन लाइन 1-1 ड्रॉ कीजिए, ए बी और ए ई को काटिए। अब हम यहाँ इस सेक्शन लाइन की मदद से ए बी और ए ई का फोर्सेस निकालेंगे। सेक्शन लाइन 1-1 ड्रॉ करने के बाद आप देखिए कि फोर्सेस के नेचर क्या रहेंगे। ए पॉइंट को कंसिडर कीजिए, ए पॉइंट पे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर एक्शन ऑफ फोर्स है आर ए का, जिसकी वैल्यू है 2.5। ये वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है। ए ई फोर्स का कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बनेगा, तो यहाँ से इसको कोई भी इक्वेट नहीं करना है। जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी वो ए बी से आएगी, तो ए बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ए बी का आपका नेचर डाउनवर्ड कर दीजिए, तो ये आपका अवे फ्रॉम द जॉइंट हो गया। ये यहाँ बना दीजिए और यहाँ बना दीजिए। अब ए बी के बाद अब ए ई का नेचर देखिए, यहाँ आर ए से इसको कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलेगा। जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको मिलेगा यहाँ से आपको ए बी फोर्स से मिलेगा। अब फोर्स ए बी का जो डायरेक्शन है ये आपका वेस्टवर्ड है, तो ऑब्वियसली बात है ए ई का डायरेक्शन ईस्टवर्ड रहेगा। बना दीजिए ए ई को। इसी तरह से अगर आप पॉइंट डी को देखेंगे तो इसका भी नेचर कुछ इसी प्रकार से आएगा। आर डी जो फोर्स है, आर डी फोर्स को डी ई फोर्स से कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करने के लिए नहीं मिल रहा है, सिर्फ सी डी फोर्स से एक वर्टिकल मिलेगा, तो इसका नेचर इसके अपोजिट जाना चाहिए। तो हमने इसको भी कंप्रेसिव अज्यूम कर लिया, इसको भी कंप्रेसिव अज्यूम कर लिया, इसको टेंसर अज्यूम कर लिया। इसी तरीके से फोर्स डी ई को आर डी का कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करने के लिए नहीं मिल रहा है। सी डी का जो डायरेक्शन है वो ईस्टवर्ड है, ऑब्वियसली बात है डी ई का डायरेक्शन वेस्टवर्ड रहेगा। अब आप फोर्स देखिए बीसी में अगर आप देखेंगे तो बीसी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इसको हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करने के लिए एक बीई फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा और एबी फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा। अब इससे पहले हमको बीई फोर्स का नेचर हमको पता करना चाहिए। आप देख सकते हैं टू फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एबी का वर्टिकली अपवर्ड फोर्स मिल रहा है। अब इन दोनों को आप ये अज्यूम करके चलिए कि ये आपका जो फोर्स है वो कॉम्प्रेसिव नेचर का है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 2.5 ज़्यादा है, 2.5 cos sin 60 से ये आपका बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए BC का जो नेचर जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों ईस्टवर्ड है, तो ऑब्वियसली बात है इसका वेस्टवर्ड जाएगा। अब आ जाइए आप फोर्स CE पे, CE का नेचर जो है इसके अपोजिट रहेगा। तो इस प्रकार से सारे अपन फोर्सेस अज्यूम कर लीजिए और एक सेक्शन लाइन ड्रॉ कर दीजिए 1-1, और इसके लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कीजिए, बिकॉज ये पार्ट छोटा है और ये पार्ट बड़ा है, और जो हमारी ये सेक्शन लाइन है वो ए बी और ए ई को कट कर रही है, तो यहाँ से हमको ए बी और ए ई फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी।
अब देख सकते हैं जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पर हमको किसी भी फोर्स का अजम्पशन नहीं करना है, जो नॉन शेडेड पोर्शन है सॉलिड लाइन से है यहाँ पर हम अपना फोर्सेस को देखेंगे। फोर्सेस का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये डायरेक्शन यहाँ पर रहेगा और ये डायरेक्शन यहाँ पर रहेगा। अब हम मोमेंट अबाउट ई एंड मोमेंट अबाउट बी लेंगे तो हमारे दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं फोर्स ए बी और ए ई का मैग्नीट्यूड। ये आप लेफ्ट पार्ट का इक्विलिब्रियम देखिए और सारे फोर्सेस के मोमेंट्स अबाउट ई लीजिए। टेकिंग मोमेंट्स ऑफ ऑल दिस फोर्सेस अबाउट ई, वी हैव एफ ए बी इंटू 3 साइन 60 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 3। आप देख सकते हैं एफ ए बी जो है आपका फोर्स है वो एक कॉम्प्रेसिव नेचर का है और एफ ए बी ई पॉइंट के अबाउट एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं 2.5 का जो लोड है वो रिएक्शन एट ए ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों एक दूसरे को इक्वेट करेंगे। यहां हमने इक्वेट कर दिया एफ ए बी इंटू 3 साइन 60 इक्वल टू 2.5 इंटू 3। ये 3 साइन 60 कहां से आ गया, ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एपेक्स से लेकर बेस तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मिलता है ए साइन 60 से। अगर ए जो है अगर आपका साइड ऑफ द ट्रायंगल है, यहां पर ए की वैल्यू है 3 तो ए की वैल्यू 3 पुट किया ए साइन 60 में तो यहां पर आ गया आपका 3 साइन 60। यहां से आपको वैल्यू आ गई एफ ए बी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 3 अपॉन 3 साइन 60 दैट इज इक्वल टू 2.887 और इसका नेचर कंप्रेसिव। फोर्स टेबल में फीड कर दीजिए 2.887 कंप्रेसिव। अब आप सारे फोर्सेस का मोमेंट अबाउट बी लीजिए, आपके पास जो फोर्स आर ए है और एक फोर्स ए ही है, यही दोनों फोर्सेस है बी के अबाउट मोमेंट क्रिएट करेंगे। जो भी फोर्स जिस पॉइंट से पास होता है वो फोर्स वहां पर कोई भी मोमेंट क्रिएट नहीं करता। इसी तरह से ए बी फोर्स बी पॉइंट से पास हो रहा है तो कोई भी मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा और प्रीवियस वाले में भी ए ई फोर्स जो है ई पॉइंट से क्रॉस हो रहा था तो ए ई फोर्स ने कोई भी मोमेंट क्रिएट नहीं किया था। यहां से आपने मोमेंट लिया बी के तो 2.5 इंटू 1.5, यहां पर 1.5 जो वैल्यू आएगी इसकी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 मीटर का साइड है उसका, उसका 50% हो जाएगा आपका 1.5 तो 2.5 इंटू 1.5 एंड एफ ए ई इंटू 3 साइन 60 एफ ए ई और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन अपेक्स से लेकर बेस तक का डिस्टेंस है प्रीवियस वाले तरीके से 3 साइन 60 आ गया। यहां से आपने एफ ए ई की वैल्यू निकाल दीजिए 2.5 इंटू 1.5 अपॉन 3 साइन 60 दैट इज इक्वल टू 1.443 और हमने इसका जो नेचर निकाल के रखा हुआ टेंसाइल आप फीट कर दीजिए यहाँ पर 1.443 टेन साइड। अब जो है सेक्शन लाइन जो है अब इस प्रकार से पास कीजिए कि जैसे आपका एक बी सी और बी ई और ए ई से पास हो जाए, यहाँ से आपको बाकी दो तीन मेंबर के यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए सेक्शन लाइन 2-2 पास करते हैं। ये सेक्शन लाइन 2-2 पास कीजिए बी सी और बी ई और ए ई के। अब ये आपका जो फोर्स का नेचर है आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा और ये यहाँ पर रहेगा, इसका एरो का आप डायरेक्शन देख लीजिए। अब आप सारे के सारे फोर्सेस का जो है मोमेंट अबाउट ई लेंगे अपन और कंसीडर करेंगे इक्विलिब्रियम लेफ्ट पार्ट का अगेन, क्योंकि लेफ्ट पार्ट जो है हमारा वो छोटा है और राइट पार्ट बड़ा है, तो छोटा है तो हमको थोड़ा सरलता होगी सॉल्व करने में। तो लीजिए सारे फोर्सेस का सबसे पहले तो मोमेंट अबाउट ई। अब आप देख सकते हैं कि जो भी फोर्सेस ई से पास होंगे जैसे ए ई और बी ई इनका कोई भी मोमेंट नहीं बनेगा। अब आपके पास फोर्स बचता है 2.5 और आपका बी सी, ये तीन ही फोर्स का मोमेंट बनेगा। तो आप लीजिए एफ बी सी इंटू 3 साइन 60 क्योंकि बी सी फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई पॉइंट से है 3 साइन 60 और 2 का 1.5 बिकॉज ये 2 आपका अगर नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो ई से इसका डिस्टेंस आ जाएगा 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 तो ये आ गया 2.5 और आप देखेंगे 2.5 का जो है यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 3 है तो 2.5 इंटू 3। अब आप नेचर देखिए, आप देख सकते हैं जो आपका 2.5 है ये एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है और आपका जो 2 फोर्स है वो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है और आपका जो बी सी फोर्स है वो ई के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों हमने एक तरफ ले लिए एफ बी सी टू 3 साइन 60 और 2 इंटू 1.5 और उसको इक्वेट कर दिया 2.5 इंटू 3 से जो कि क्लॉकवाइज मोमेंट है। यहां से हमको एफ बी सी की वैल्यू मिल गई 7.5 माइनस 3 अपॉन 3 साइन 60 बिकॉज 2.5 इंटू 3 इक्वल टू 7.5। यहां से आपका 2 इंटू 1.5 का 3 यहां ट्रांसपोज कर दिया और डिवाइडेड बाय 3 साइन 60 से किया तो वैल्यू आ गई हमारी 1.732। फोर्स का नेचर पहले से ही निकाला हुआ है हमारा कंप्रेसिव, वैल्यू पुट कर दीजिए बीसी की 1.732 कॉम्प्रेसिव।
अब आप सारे फोर्सेस का ए के अबाउट ले लीजिए मोमेंट, और आप देख सकते हैं ए के अबाउट मोमेंट में आपका ये 2.5 वाला फोर्स छूट जाएगा, ए ही फोर्स छूट जाएगा क्योंकि ये दोनों पास हो रहे हैं ए पॉइंट से। अब आपके पास फोर्स बचेगा एक तो बी ई, और एक फोर्स बचेगा आपका बी सी, और एक आपका बचेगा टू। तो आप देख सकते हैं जो टू का फोर्स है उसका ए से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.5, बिकॉज ये आप ड्रॉप करेंगे यहाँ पर तो 3/2 पे करेगा, तो 3/2 का वैल्यू आएगी 1.2, और ये एक एंड क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है आपका। इसी तरह से आप बी ई फोर्स को देखेंगे तो बी ई फोर्स जो है ये भी एक क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है ए के अबाउट। तो एफ बी ई और ऑब्वियसली बी अगेन इक्विलेटरल का ट्रायंगल का बेस है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपेक्स ए है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन 60, ए की वैल्यू 3 साइन 60। अब बी सी फोर्स का नेचर देखेंगे तो बी सी फोर्स जो है वो ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए उसको अपोजिट साइड पे रख दिया एफ बी सी इंटू 3 साइन 60। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 साइन 60 की वैल्यू आती है आपकी 2.598, तो 3 प्लस 2.598 एफ बी ई इज इक्वल टू 1.732 इंटू 2.598, और 1.732 इंटू 2.598 का प्रोडक्ट होता है 4.5। यहाँ से एफ बी ई की वैल्यू निकाल दीजिए, 4.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2.598 दैट इज इक्वल टू 0.577 टेंशन। ये आपने पुट कर दीजिए वैल्यू 0.577 और नेचर लिख लीजिए टेंशन। अब हम एक तीसरी सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे 3-3, वो आपका बी सी सी ई और ई डी फोर्स को काटेगी। तो आइए देखते हैं अगली स्टेप। अब ये सेक्शन लाइन 3-3 लीजिए और 3-3 को इस प्रकार से पास कीजिए कि जैसे कि आपका मेंबर बी सी, मेंबर सी ई और मेंबर डी ई कट हो जाए। यहाँ से आप जब लेंगे तो आपके फोर्स के डायरेक्शन आप देख रहे हैं जैसे हैं वैसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर हमको जो इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा वो राइट हैंड साइड पार्ट का लेना पड़ेगा, बिकॉज अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट बड़ा हो गया और राइट हैंड साइड पार्ट छोटा हो गया। तो लीजिए इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पार्ट का, और सारे के सारे फोर्सेस जो भी राइट हैंड साइड पार्ट पे एक्ट कर रहे हैं उनके मोमेंट अबाउट डी लीजिए। अब राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं एक तो 4 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है, एक 3.5 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है, एक फोर्स सी ई एक्ट कर रहा है, एक फोर्स डी ई एक्ट कर रहा है, और एक फोर्स बी सी एक्ट कर रहा है। तो ये 5 फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस पे। आप सारे फोर्सेस का देख लीजिए, जो जो फोर्सेस डी पॉइंट से क्रॉस हो रहे हैं उनके कोई भी मोमेंट नहीं बनेंगे। तो देख लीजिए 4 × 1.5, ये जो 4 किलो न्यूटन का लोड है एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है डी पॉइंट के अबाउट। तो एक तरफ रख दीजिए। अब आप देखिए, अब जो एफ बी सी है और ये आपका जो फोर्स बी सी है ये एक क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, इसी तरह से फोर्स सी ई भी जो है क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। ये आपका जो 4 किलो न्यूटन का जो मोमेंट है ये दोनों फोर्सेस के मोमेंट को बैलेंस करेगा। तो 4 × 1.5 इज इक्वल टू एफ बी सी इंटू 3 sin 60। ये जो 3 sin 60 है वो एफ बी सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी से, और यहाँ पर भी सी ई फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी पॉइंट से। यहाँ से आप वैल्यू निकाल दीजिए एफ सी ई की, सॉल्व करेंगे तो एफ सी ई की वैल्यू आपके आ जाएगी 0.577। फीड कर दीजिए 0.577 यहाँ पर। अब आप सारे फोर्सेस के मोमेंट्स अबाउट सी लीजिए। 3.5 का जो फोर्स है आपका रिएक्शन एट डी वो सी पॉइंट के अबाउट एक क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, और एक फोर्स है आपका डी ई, डी ई सी पॉइंट के अबाउट एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। बाकी सारे फोर्सेस सी पॉइंट से क्रॉस हो रहे हैं वो कोई भी मोमेंट नहीं बनाएंगे। यहाँ से आपको एफ डी ई की वैल्यू मिल गई 2.02 टेंशन। फीड कर दीजिए वैल्यू 2.02 टेंशन फोर्स टेबल में। अब हम एक सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे 4-4 जो कि आपके मेंबर सी डी और डी ई को काटेगी। तो कंसीडर करते हैं सेक्शन लाइन 4-4। तो ये लाइन हमने सेक्शन लाइन पास कर दी आपके सी डी और डी ई से। अब हम राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा छोटा है। अब सारे के सारे फोर्सेस जो भी राइट हैंड साइड पे एक्ट कर रहे हैं उनके फोर्सेस का मोमेंट ले लीजिए ई के अबाउट। तो आप देख सकते हैं ई के अबाउट एक तो 3.5 का आएगा और एक आपका सी डी का आएगा। तो सी डी और ई जो आपका 3.5 है वो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, और जो सी डी फोर्स है वो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को इक्वेट करेंगे। इक्वेट कर दीजिए दोनों के मोमेंट्स 3.5 × 3 और एफ सी डी इंटू 3 sin 60। 3 sin 60 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स सी डी फ्रॉम ई, एंड 3 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स 3.5 फ्रॉम ई। तो यहाँ से आपको एफ सी डी की वैल्यू आ गई 3.5 × 3/3 sin 60 दैट इज इक्वल टू 4.04
और पहले से इसका नेचर निकला हुआ है कंप्रेसिव का, यहाँ फीड कर दीजिए, CD इज इक्वल टू 4.04 कंप्रेसिव। तो यहाँ पर हमारा ये 26वां लेक्चर समाप्त होता है। ये आपने आज एक नई चीज सीखी, मेथड ऑफ सेक्शन से ट्रस को सॉल्व करना। अभी तो हमने इसको पूरे न्यूमेरिकल को मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व किया, लेकिन जब भी पूरा का पूरा ट्रस सॉल्व करना होता है और उसके सारे मेंबर्स के फोर्सेस निकालने होते हैं तो मेथड ऑफ जॉइंट जो है ज़्यादा सुटेबल है। लेकिन अगर किसी ट्रस में दो या तीन मेंबर के ही फोर्सेस निकालने हों तो हमारा मेथड ऑफ सेक्शन ज़्यादा सुटेबल है। आशा है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम अपने अगले लेक्चर में फिर आपके सामने होंगे इंजीनियर मैकेनिक्स की कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा वीडियो चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।